हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आईएएस को 5 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा अलवर के पूर्व कलेक्टर नद्रुमल पहाड़िया। आरएएस अशोक सांकला को एसीबी ने दबोचा। अलवर के पूर्व कलेक्टर नद्रुमल पहाड़िया को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शनिवार को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आईएएस अफसर पहाड़िया के साथ ही एसीबी ने एक आरएएस अफसर अशोक सांकला और दलाल नितिन शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। शनिवार को घूस लेते पकड़े गए नद्रुमल पहाड़िया 3 दिन पहले ही अलवर कलेक्टर के पद से रिवील हुए थे। पहाड़िया को विभागीय जांच आयुक्त के पद पर लाया गया था। एसीपी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है, काम में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए 4 महीने के 16 लाख रुपए मासिक बंदी के रूप में रिश्वत मांगी गई थी। इस पर एडीजी दिनेश एमएन ने निर्देश पर एएसपी विजय सिंह और डीसीपी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई। आईएएस नद्रुमल पहाड़िया 3 दिन पहले ही अलवर कलेक्टर के रूप से रिवील हुए थे। एसीबी के मुताबिक शिकायतकर्ता सुबह जब रुपए लेकर अशोक सांकला के पास पहुंचा, शिकायतकर्ता ने सांकला को पैसे दिए। इसके बाद सांकला ने दलाल नितिन शर्मा को इससे पूर्व कलेक्टर नद्रुमल पहाड़िया के पास पहुंचने के लिए कहा। दलाल पहाड़िया को पैसे देने जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में एसीबी ने उसे पकड़ लिया और पहाड़िया को कलेक्टर आवास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पहाड़िया के जयपुर के महेश नगर स्थित मकान में सर्च भी शुरू कर दिया गया है। जागरूक टीवी की जयपुर से खास रिपोर्ट।